किन डूबी हुई कंपनियों को देखकर डूब गया यस बैंक, जानिए। नमस्कार दोस्तों, यस बैंक के जमाकर्ताओं में आज हाहाकार मचा हुआ। सरकार और आरबीआई उन्हें भरोसा दे रही है कि उनका पैसा सुरक्षित है, लेकिन लोग बैंकों एटीएम में कतार लगाकर खड़े हैं। आरबीआई ने महीने में निकासी की सीमा 50,000 रुपए तय कर दी है। जाहिर है इसी वजह से हड़कंप मचा हुआ, लेकिन सरकार की माने तो कुछ गिनी चुनी कंपनियां और प्रभावी लोग ही संकट के लिए जिम्मेदार हैं, जिनको बैंक ने आंख मूंद कर लोन दिया और वह सारे के सारे डिफॉल्ट साबित हुए। जब कंपनियां डूब गई तो वह यस बैंक का कर्जा कहां से चुकाएगी। लिहाजा एक दिन ऐसा आया जब आरबीआई को सख्त कदम उठाने पड़ गए। केंद्र सरकार ने रिजर्व बैंक से वह ये देखे कि यस बैंक का ऐसा हाल क्यों हो गया कि आखिरकार उस पर पाबंदियां लगानी पड़ी। खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यस बैंक पर 2017 से ही निगरानी रखी जा रही थी और उस पर प्रतिदिन के हिसाब से नजर रखा जा रहा था। आरबीआई ने बैंक के प्रशासनिक मुद्दों और वित्त मसलों पर नियंत्रण रखने के लिए कुछ खामियां नोटिस की थी। ये भी पाया कि बैंक ने लोन देते समय लोन लेने वाली कंपनियों की संपत्तियों की कीमतें का ठीक ठाक आंकलन नहीं किया और बहुत ही जोखिम भरे लोन जारी करता चला गया। जब आरबीआई ने जोखिम भरे लोन जारी करने की बातें पाई तो उसे प्रबंधन में बदलाव की सलाह दी थी। बता दें गुरुवार देर रात में आरबीआई ने यस बैंक के बोर्ड को भंग करके निकासी से संबंधित पाबंदियां लगा दी है। वित्त मंत्री ने कहा कि आरबीआई से कहा गया है कि वह पता लगाए कि समस्या की जड़ कहां है और उन लोगों की पहचान करे जो यस बैंक में वित्त संकट के जिम्मेदार हैं। जाहिर है कि लोन बांटने में बारी लापरवाही ने ही उसे डुबो दिया है। बैंक ने बिना गहराई से पड़ताल किए डिफॉल्टरों को दबाकर कर्ज बांटे और सारे के सारे बैंड लोन तब्दील हो गए। इसके चेयरमैन ही भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए थे। बता दें यस बैंक के कर्जदारों में बड़ी नामी कंपनियां भी शामिल और इन सब पर यस बैंक को डुबाने के आरोप लग रहे। अनिल अंबानी ग्रुप, एसएल ग्रुप, आईएलएफएस, डीएचएफएल और वोडाफोन जैसी कंपनी ने यस बैंक से लोन लिया था जो डिफॉल्टर साबित हुए। वित्त मंत्री के मुताबिक ये सारे मामले 2014 के पहले के यस बैंक के लिए राहत की बात है कि एसबीआई ने उनमें निवेश की इच्छा जताई है। यस बैंक का 30 दिनों के भीतर रिस्ट्रक्चर किया जाएगा और ये स्कीम आरबीआई लेकर आया। यस बैंक ने भी निवेश के लिए खूब हाथ पैर मारे थे लेकिन कुछ भी नहीं हो सका। हालांकि इस दोनों सरकार ने यस बैंक के कर्मचारियों और जमाकर्ताओं को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा इनकी नौकरी और वेतन एक साल तक सुरक्षित है और बैंक में जमाएं और देनदारियां भी अप्रभावित रहेगी। बता दें गुरुवार को आरबीआई ने यस बैंक पर कई सारी पाबंदियां लगा दी और तय कर दिया कि इसके ग्राहक महीने में 50,000 रुपए से ज्यादा नहीं निकाल सकेंगे। हालांकि शादी, बीमारी और शिक्षा जैसी आवश्यकताओं के लिए हम इसमें छूट मिलेगी। इस दौरान यस बैंक अपने 20,000 कर्मचारियों को वेतन और किराया दे सकेगा। हालांकि यस बैंक कोई नया लोन नहीं दे सकता या लोन को रिव्यू नहीं कर सकता या एडवांस भी नहीं देख सकता और ना ही कोई निवेश कर सकता है, ना ही किसी देनदारी को मंजूर कर सकता है। इसी बीच रिजर्व बैंक ने निवेशकों को भरोसा दिला है कि उन्हें घबराने की जरूरत नहीं और उनके हितों की पूरी रक्षा की जाएगी। दोस्तों अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।